Actor Sana Maqbool found herself in hot waters when she happened to like a comment on her Khatron Ke Khiladi 11 co-contestant Rahul Vaidya, which was misinterpreted by his fans. She was mercilessly trolled on social media. Well, Sana was spotted in the city where she was seen narrating her ordeal to the paparazzi, where Sana said that someone jokingly dropped a comment saying that Rahul was getting jealous of her as she was performing her stunts quickly in the show. Let's listen to what she had to say on this as well as the upcoming Big Boss 15 and her views on it. Rahul Vaidya ko lakkar bhagga kar rahe hain. Lakkar bhagga. तो उसके ऊपर ना फैन उनको ट्रोल कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली मैंने भी देखा ये, मुझे भी समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। मैं भी ये समझना चाहती थी कि क्या हुआ, पर आई थिंक यू नो जो राहुल वैद्य के फैंस है ना वो बहुत ही अटैक करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। आई थिंक मैंने ना एक ट्विटर पे राहुल वैद्य और रूबीना के जो ये सारे फैंस हैं इनका बहुत अलग ही चलता रहता। कल ही राहुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ तो ऐसा हुआ था। राहुल ने मुझे पर्सनली फोन करके बोला कि डार्लिंग तूने मेरे बारे में कुछ बोला क्या। लाइक लिटरली ट्विटर पे वॉर चल रहा था। सो आई थिंक राहुल वैद्य के जो फैंस है गाइस प्लीज, आप लोग को नहीं पता बट राहुल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम राहुल के बारे में ना गलत बोलते हैं ना कुछ करते हैं। इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड इवन अर्जुन के भी बहुत अच्छे दोस्त है। तो ऐसा कुछ आप गलत मत सोचिए। इट जस्ट कि वो गेम ऑफ द मोमेंट में या बोलो ना इन द मोमेंट में वो हो जाता है। लाइक यू नो अगर लकड़ बग्गा बोला तो सपोज सेइंग इट्स नॉट अ बैड थिंग। अभी मुझे कोई बोलेगा ये तो डोंकी है तो मैं बोलूँगी ठीक है डोंकी बोला तो बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गेम तो आप सब देख रहे हैं कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो आपको लगता है कि आजकल के सोशल मीडिया की वजह से लोग जजमेंट जल्दी कर लेते हैं? एक्चुअली आई थिंक यस, सोशल मीडिया में ना लोग बहुत ही जल्दी जज करने लग जाते हैं। आपका एक कमेंट, लाइक मैंने एक ट्विटर पे एक कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने दिया था थर्ड पार्टी के फैंस ने, तो राहुल और वो उस पर राहुल का एक ऐसा था कि राहुल जल रहे हैं, सना ने जल्दी परफॉर्म कर लिया, तो ये कमेंट था। तो मैंने बस उसको लाइक किया ट्विटर पे एंड ओ गॉड दो दिन जो भसड़ मची है। लाइक लिटरली मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोला गया है ऑनलाइन और ये ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे। लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है। बट यू नो राहुल ने मुझे पर्सनली फोन करके पूछा ऐसा क्या चल रहा है ट्विटर पे, सम वॉर इज हैपनिंग, डिड यू सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट मी। मैंने कहा यू मैड अबाउट राहुल, एनी वेज दिस योर आरकेबी फैंस इज लाइक रियली दे जस्ट डू पर्सनल अटैकिंग विच इज नॉट गुड, लाइक विच इज रियली नॉट गुड गाइज। आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप राहुल के फैन हैं तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, बट आई डोंट थिंक यू गाइज शुड पर्सनली अटैक एनी वन। बिग बॉस आने वाले क्या कहना चाहोगे? तब तो और फन होगा। डोंट यू थिंक सो? मतलब वो इतने बिजी और इतने ह्यूमरस है और ओटीटी है तो बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक इज कि 24 आवर्स चलेगा अनसेंसर्ड। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इस बार 6 महीने के लिए? नहीं 6 महीने के लिए नहीं, ये तो आप ज्यादा बोल रहे हैं। आई थिंक ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2-3 महीना होगा एंड देन द टीवी विल कम। सो एट अ स्ट्रेच जो बिग बॉस के फैंस है उनको थोड़ा लंबा देखेंगे। मैं हमने सुना आप भी जा रहे क्या? आप भी जाने वाले? आप भी जाने वाले? अभी तक ऐसे कंफर्मेशन कुछ है नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू।